डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास टेंथ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 6 है। इसमें हम बात करेंगे जैव विकास के संबंध में कि जैव विकास किस प्रकार होता है और क्या है। तो जैव विकास एक निरंतर धीमी गति से होने वाला एक ऐसा प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जीवों में शुरू हुआ और एक नई जाति की उत्पत्ति हुई। यानी धीरे धीरे कोई प्रक्रिया चलती रही और हजारों करोड़ों वर्षों में एक नई जाति उत्पन्न हो गई। अब ये नई जातियाँ उत्पन्न किस प्रकार से होती हैं, ये अचानक नहीं होती हैं जैसा आप जानते हैं। इनमें हजारों वर्ष लगते हैं, यानी बहुत लंबा समय लगता है, और इनके कुछ कारण होते हैं। जैसे आपको किताब के अनुसार कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कैसे जैव विकास होगा, यदि ये स्थिति बनती है तो कैसे जैव विकास होगा। जैसे यहाँ पर लाल भ्रंग यानी भ्रंगों के ऊपर आपको समझाया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेज में हम लेते हैं कि लाल भ्रंगों का समूह है कोई, और उनमें आपसी जनन के द्वारा किसी तरह से रंग में परिवर्तन हो जाता है और सभी भ्रंग लाल रंग के रहते हैं, केवल एक भ्रंग हरा रंग का उत्पन्न होता है। यानी जनन द्वारा किसी प्रकार से अचानक रंग में परिवर्तन हो गया और सभी भ्रंग एक समान यानी लाल रंग के रहे और केवल एक भ्रंग हरे रंग का हुआ। और लाल भ्रंगों को कौओं के द्वारा यानी कौओं ने उनको खा लिया, हरे भ्रंग से जो संतति उत्पन्न हुई वो हरी हुई और हरे भ्रंग अपने आप को झाड़ियों से यानी घास फूस में झाड़ियों में हरे से मिल होने के कारण कौओं द्वारा भक्षण नहीं हुआ उनका, यानी कौए उनको खा नहीं सके, इसलिए वे बचे रहे और हरे रंग की संख्या में वृद्धि होती गई। परंतु लाल रंग के भ्रंगों को कौए खाते रहे और उनकी संख्या में कमी आने लगी। इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि हरे भ्रंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे झाड़ियों में दिखाई नहीं दिए और प्राकृतिक चयन भ्रंग समष्टि में अनुकूल रहा, जिससे एक नई समष्टि में उत्पन्न हुई। यानी हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई, एक नई जाति बन गई। यद मान लीजिए दूसरी स्थिति बनती है, उसी तरह से लाल भ्रंगों का समूह है और जनन द्वारा रंग में परिवर्तन होता है, जिसमें से सभी भ्रंग लाल होते हैं, केवल एक भ्रंग नीले रंग का होता है, यानी वहाँ पर हरा न होकर नीले रंग का उत्पन्न होता है। तो लाल भ्रंगों में जनन के द्वारा संख्या में वृद्धि होती गई, कौओं ने लाल भ्रंगों को खा लिया, चुनकर नीले भ्रंगों से नीले रंग की भ्रंगों में उत्पन्न वृद्धि हुई और उनको भी कौओं ने चुनकर खा लिया। तो इस तरह से भ्रंगों की संख्या में कमी आ गई। और इसके बाद अचानक से कोई हाथी या बड़ा जानवर आया और भ्रंगों सहित उस झाड़ी को रौंद दिया, यानी तोड़ मरोड़ दिया, नष्ट कर दिया, उखाड़ दिया, और उसमें से किसी प्रकार से नीले भ्रंग बच गए, यानी संयोगवश नीले भ्रंग बच गए। तो यहाँ पर नीले या रंग परिवर्तन से समष्टि को कोई लाभ नहीं मिला, ये संयोग ही रहा कि नीले भ्रंग बच गए और उनकी एक समष्टि बन गई, अर्थात उनका एक स्वरूप बदल गया। संयोग हो सकता था कि वहाँ पर केवल लाल भ्रंग बचते, तो यहाँ पर केवल संयोग रहा और किसी भी प्रकार से कोई भी नया रूप नहीं बदला। इसी तरह से मान लीजिए यदि एक और स्थिति बनती है कि लाल भ्रंगों का समूह है और उनके आवास यानी झाड़ियों में
कोई पादप रोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पादप रोग लग जाता है, और पादप रोग लगने के कारण उनके पोषण में कमी होने लगती है, यानी उनको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और पौधों में रोग लग जाता है तो उनको पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो उनके जैव भार में अर्थात उनमें कमी आने लगेगी, इससे भृंगों की संख्या में निरंतर कमी होती जाएगी और फिर अचानक पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। जब पौधों का रोग समाप्त हो जाता है तो फिर से भृंगों की संख्या जैव भार में वृद्धि होने लगती है, यानी उनको पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है, वो जनन करने लगते हैं और उनकी संख्या में फिर से वृद्धि होने लगती है। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है कि भृंगों की जनसंख्या कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात उनकी जनसंख्या पर कोई भी आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता, पर्यावरण परिवर्तित होता है तो जनसंख्या कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जैव विकास में हजारों वर्ष लगते हैं और इस धीरे धीरे करके किसी परिवर्तन के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है।